कभी महात्माओं के पास जाकर, कभी संतों के पास जाकर व्यर्थ के प्रश्न मत करो। ये नियम बना लो। कभी महात्माओं के पास जाकर ये प्रश्न मत करो कि बाबा मेरी बहू का बेटा होगा कि नहीं होगा, 5 वर्ष हो गए विवाह को। कभी संतों के पास जाकर ये प्रश्न मत करो कि बाबा मेरी फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी। कभी ये प्रश्न मत करो। अरे संतों के पास जाकर तो एक ही प्रश्न करो कि बाबा बांके बिहारी मिलेगा कि नहीं, कहीं ये जीवन ऐसे ही ना निकल जाए। ये बताओ कि कभी श्री कृष्ण मिलेंगे कि नहीं, ये प्रश्न कीजिए। क्योंकि शास्त्र कहता है संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत कीजिए। जो भी भोजन आपको थाली में प्राप्त हुआ है, प्रयास कीजिए कि वो व्यर्थ ना जाए और आपकी वजह से किसी महापुरुष, किसी संत, किसी दिव्य आत्मा का क्षण बर्बाद ना जाए, इस बात का भी आप प्रयास करेंगे। माताएं बहुत भोली होती हैं हमारी, माताओं को बड़ा शौक होता है। कोई भी बाबा जी आ जाएंगे तो माताएं अपने हाथ ले लेकर आगे खड़ी हो जाती हैं, बाबा जी देखो, बाबा जी देखो, बाबा जी देखो। अरे ये हाथ किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये हाथ बहुत सुंदर हैं क्योंकि ये हाथ आपको मेरे प्रभु ने प्रदान किए हैं। इन हाथों के प्रति, इन हाथों की लकीरों के प्रति कोई संशय मत रखिए। ये हाथ मेरे प्रभु ने आपको प्रदान किए, तो कुछ बुरा हो सकता है क्या? जो चीज उसने आपको प्रदान की है, उस चीज में आपको कभी किसी डाउट में नहीं रहना है। क्योंकि ये हाथ की लकीरें सब मेरे बांके बिहारी ने दी हैं, और जो उसने दिया है वो सब सुंदर नहीं, अति सुंदर दिया है। इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है माताओं, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि माताएं हमारी बहुत भोली होती हैं, बहुत सीधी होती हैं, बहुत दयालु होती हैं।